Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today we are going to discuss about the dam. A dam is a hydraulic structure of fairly impervious material built across a river to create a reservoir on its upstream side for impounding water for various purposes. क्लियर. डैम क्या है? एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि इम्प्रूवियस मटेरियल का बना हुआ था. इम्प्रूवियस मटेरियल कौन सा होता है? जहाँ से पानी क्रॉस नहीं हो सकता. किस लिए बनाया जाता है? बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर क्रॉस करने के लिए, टू क्रिएट ए रिजर्वायर, ताकि वहाँ पर एक रिजर्वायर बन सके जिसमें आप पानी को आराम से स्टोर कर पाओ. दीज पर्पज में भी इरीगेशन, हाइड्रो पावर, वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, फिशिंग एंड रिक्रिएशन. पर्पज कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आप वाटर को इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हो, या फिर हाइड्रो पावर के लिए यूज कर रहे हो, या फिर पानी जो आपने स्टोर किया है और जो आसपास का एरिया वहाँ पर आपको वाटर सप्लाई करना है, या फिर आप फ्लड कंट्रोल कर रहे हो उस पानी से, या फिर नेविगेशन के लिए, नेविगेशन पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर फिनिशिंग फिशिंग वर्क के लिए, मछलियाँ जो उत्पादन होता है वो स्टोरेज डैम में होता है, या फिर रिक्रिएशन पर्पज के लिए. डैम में भी बिल्ट टू मीट द वन ऑफ द अबव पर्पज और दे में भी कंस्ट्रक्टेड फुलफिल मोर देन वन. क्लासिक पर्पज के अकॉर्डिंग इनको हम टू टाइप से ले सकते हैं, सिंगल पर्पज एंड मल्टीपर्पज. टाइप ऑफ डैम. डैम कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वे, बट क्लासिफिकेशन ऑफ डैम आर मैंशन बिलो. फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन फंक्शन, किस फंक्शन के लिए आप डैम को यूज कर रहे हो. सेकेंड, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, किसका डिजाइन कैसा है. फंक्शन बेस पर है हमारे पास स्टोरेज डैम, नाम से क्लियर हो रहा है कि वाटर आपको स्टोर करना है. डाइवर्जन डैम, डिटेंशन डैम, डैबरेज, कोफर, ग्रेविटी डैम, आर्च, बट्रेस एंड अर्थ डैम. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डैम विच आर बेस्ड ऑन फंक्शन एंड डिजाइन. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज डैम. दीज आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के टाइम में. व्हेन देयर इज अ लार्ज फ्लो इन द रिवर, जब रिवर में बहुत ही तेज बहाव आता है, मतलब फ्लो बहुत तेज आता है, बारिश के सीजन में रिवर बिल्कुल फुल फ्लो करती है, तो उस टाइम पे जो स्टोरेज डैम बनाया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर उसको ये स्टोर कर सके. मैनी स्मॉल डैम इम्पाउंड द स्प्रिंग रन ऑफ फॉर लेटर यूज. कई छोटे छोटे डैम होते हैं, बाद में फिर उनका यूज किया जाता है रन ऑफ, जैसे जो पानी है वो रन ऑफ हो रहा है उसके लिए. इन ड्राई समर्स स्टोरेज डैम में ऑल्सो प्रोवाइड ए वाटर सप्लाई, आपने पानी को स्टोर कर लिया फिर आप उसको यूज कर सकते हो एज वाटर सप्लाई, और इम्प्रूव्ड हैबिटेट फॉर फिश, फिशिंग वर्क के लिए उसको अच्छे से हम यूज कर सकते हैं. दे में स्टोर वाटर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इरीगेशन और फॉर ए फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट. ठीक है, दीज आर द पर्पज ऑफ स्टोरेज डैम. कुछ पिक है उनके, उसे हम समझते हैं. जैसे देखिए, पानी है यहाँ पे बैक साइड, अपने डैम बना रखा है इसको स्टोर करने के लिए ताकि आगे फ्लो ना करे. नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए, बिलासपुर डैम है जो राजस्थान में, जो कि स्टोरेज डैम का ही एक एग्जांपल है. कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे. ये पिक देखिए, ये है कोन्या डैम की जो कि महाराष्ट्र में है. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्टोरेज डैम का, वाटर को अच्छे से स्टोर कर रखा है इसने. नेक्स्ट है हमारे पास मीठू डैम, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डैम.